हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हेयर स्पा की वीडियो। मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी, सो फाइनली ये वीडियो मैं अपलोड कर रही हूं। ये मेरी क्लाइंट है, आप देख लीजिए इनके बालों का टेक्सचर कुछ इस तरीके से था, ठीक है। ये इनका पहले का है, मीन्स स्पा करने से पहले की हेयर है। और ये जो भी आप देख रहे हैं ना, ये क्लिप है इनकी स्पा करने के बाद का रिज़ल्ट। सो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया था, बहुत अमेजिंग था। इनके बाल एकदम से फ्रेश हो गए थे, आप देख लीजिए कितने अच्छे से शाइन आ गए बालों में। सो स्पा के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और प्लीज़ गाइस, वीडियो को पूरा देखना, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप घर बैठे ईजिली हेयर स्पा कर सकते हैं। अगर आपका पार्लर है, आपको हेयर स्पा करना नहीं आता, मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनके छोटे छोटे पार्लर होते हैं ना, तो वो मेरी वीडियो को देख के इजीली कर सकते हैं। ये मेरी क्लाइंट है। अभी हम क्या करेंगे, ये घर से वॉश करके आई थी, मैंने इनको बोल दिया था कि वॉश कर लेना एक बारी अच्छे से, तो इन्होंने वॉश कर लिए थे। वॉश करने के बाद भी इनके बाल देख रहे हैं किस तरीके हैं, तो इनके बालों का टेक्स्चर बहुत अजीब से था, मीन्स वॉश करने के बाद भी लगते नहीं है कि जैसे वॉश किए हैं ना, तो इसलिए इनको हेयर स्पा कराना था। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इनके बालों में कर रहे हैं, इनके बालों को वेट कर रहे हैं, है ना। अगर ये बालों को वॉश करके नहीं आती तो हम क्या करते, सबसे पहले इनके बालों को वॉश कराते, देन आगे का पूरा प्रोसेस करते। बट इन्होंने हेयर वॉश किए हुए थे तो हमने बालों को इनको कर दिया गीला। बाल गीले करने के बाद अभी हमने यहाँ पे लिया है लॉरियल का स्पा। आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, मैट्रिक्स का ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, ठीक है। बाउल में निकाल लिया और उसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। आप चाहे तो इसमें सीरम भी मिक्स कर सकते हैं। मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी कि आप सीरम मिक्स करके किस तरीके से हेयर स्पा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने इनके बालों को बहुत अच्छे से वेट कर दिया, 70 to 80% हमने इनके बालों को वेट कर दिया। वेट करने के बाद अभी हम यहाँ पर लगा रहे हैं ब्रश के हेल्प से स्पा क्रीम। और स्पा क्रीम आपको कुछ इस तरीके से लगानी है जैसे हम स्मूथनिंग क्रीम लगाते हैं ना, सेम वही तरीका होता है। आपको थोड़ी थोड़ी सेक्शन में क्रीम लेनी है और उसको बहुत अच्छे से इमल्सिफाई करना है। इमल्सिफाई इतना करना है कि वो जितनी भी स्पा क्रीम है बहुत अच्छे से एक एक बालों में अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। फिर आपको कॉम करना है, देन इस तरीके से छोड़ देना है। सारे ही बालों में आपको कुछ इस तरीके से करना है और सीरियसली बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। प्रोटीन की जो कमी होती है बालों में वो पूरी हो जाती है, ड्राइनेस चली जाती है। और हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ एक ही बार स्पा करा के रह जाते हैं, फिर बोलते हैं कि थोड़े ही दिन बाद उसका असर ख़त्म हो जाता है, तो बोलते हैं कि कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसकी ना सेटिंग्स लेनी पड़ती है, मैं आपको बता दूँ। ऐसा नहीं है आपने एक बार कराया और फिर आपके बाल अच्छे हो जाएंगे। सीटिंग्स लेनी पड़ेगी आपको, हर महीने हर 20 दिन में कराना पड़ेगा, 4 से 5 बार। आप देखेंगे आपके बालों का जो टेक्सचर है ना, बहुत हद तक इम्प्रूव हो जाएगा, है ना। बालों के जो स्प्लिट एंड्स हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे, बालों की ड्राइनेस चली जाएगी। अगर आपके ऑयली स्कैल्प है तो उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इसी तरीके से मैं दो लोगों की हेल्प से हम इनका कर रहे हैं हेयर स्पा। वो मेरी पार्लर में ही रहती हैं, तो वो सुमन है और इस साइड मैं कर रही हूँ। तो हम दोनों लोग हाफ हाफ बालों में करते हैं तो जल्दी से काम हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है इनको स्पा क्रीम। और अभी जब लगाने के बाद 15 मिनट में आपको लगा देना है पूरे बालों में, आप कोशिश करें। फिर इसको रखना है कम से कम 15 to 20 मिनट्स, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। जब 15 से 20 मिनट हो जाए फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको को करना है बालों को ड्राई, क्योंकि अभी हमें यहाँ पे देनी है स्कैल्प पे मसाज, है ना। अब बाल पूरे ड्राई हो गए थे, उसको गीला इसलिए करते हैं जैसे कि आप जब मसाज करेंगे ना तो वो बाल आपके फंसे नहीं, ईजिली आप मसाज कर सकें, बिकॉज़ वो ड्राई हो जाते हैं बालों को। इसलिए वेट करना है और आपको बहुत अच्छे से मसाज देनी है। मसाज इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज जो क्लाइंट है उसको बहुत अच्छे से रिलैक्स मिले, और आपको इस तरीके से मसाज देनी है कि क्लाइंट सो जाए, है ना। तो बहुत अच्छे से आपको मसाज देनी है और आप देख लीजिए मैं स्टेप किस तरीके से कर रही हूँ। और आपको भी कुछ इस तरीके से करना है। देखो, हर किसी का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, किसी के स्टेप्स करने का जो तरीका है वो थोड़ा अलग होता है, किसी का अलग होता है। तो आप देख लीजिए मैं इसी तरीके से करती हूँ थोड़े थोड़े। आपको इस वीडियो में देख के ऐसा भी लग रहा होगा कि शायद क्लाइंट के जो हेयर हैं वो खींच रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। हम क्लाइंट से पूछते रहते बीच बीच में कि इतना ठीक है ना, खींच तो नहीं रहे बाल, तो उनको जो सूटेबल होता है हम उस हिसाब से उनको मसाज देते हैं। तो देख लीजिए हम बालों को उस तरीके से करते हैं, इससे क्या होता है, ये जड़ें मजबूत होंगी और क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो बालों को जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी इम्प्रूव होती है, बालों से डैंड्रफ भी काफ़ी हद तक चला जाता है और बहुत अच्छे बाल हो जाते हैं। तो आप एक बार स्पा करा के ज़रूर देखना। तो अभी मुझे यहाँ पर लग रहा था जैसे फिर से स्कैल्प जो है वो ड्राई हो गई है, तो मैंने फिर से थोड़ा सा बालों को गीला किया है, देन मैं कर रही हूँ यहाँ पर
मसाज आप देख लीजिए किस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर रही हूँ, बाकी जो स्टेप्स हैं मैं अभी बाद में, बाकी जो आगे का प्रोसेस है मैं वॉइस ओवर करूँगी। सो ये मसाज जो है क्लाइंट को कम से कम 8 से 10 मिनट देना है। 10 से 12 मिनट जब हो जाए तब आपको क्या करना है, इसको करना है स्टीम। ठीक है, तो ये हमारे 10 से 12 मिनट हो गए, हमने बहुत अच्छे से क्लाइंट को मसाज दी। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे स्टीम। स्टीम के लिए मेरे पास ये छोटा वाला स्टीमर है, बड़ा वाला भी है बट मुझे इससे बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल होता है। बहुत अच्छी वाली स्टीमर है, किसी दिन मैं इसका रिव्यू करूँगी गाइस, आप भी ज़रूर परचेज़ करना अगर आपके सैलून में ये नहीं है तो। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है ऑन, और अभी इसमें से जब पानी गर्म होने लगेगा ना तो इसमें से निकलेगी स्टीम। तो हम वेट करेंगे 2 से 4 मिनट में बहुत अच्छे से स्टीम निकलने लगती है, और आप देख लीजिए कितने अच्छे से स्टीम निकल रही है। तो स्टीम हमें देना है क्लाइंट के ऊपर कम से कम 5 से 7 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं देना। ठीक है, 5-7 मिनट हो जाए फिर आप को क्या करना है, उसको थोड़ा सा रखना है, 2-4 मिनट रखना है जब तक कि वो अपनी नॉर्मल जो मीन्स उसका जो गर्माहट अच्छे से चला जाए, फिर उसके बाद वॉश करना है। तो भाई आप देख लीजिए मैं किस तरीके से स्टीम दे रही हूँ, एक एक बाल में स्टीम देना है। स्टीम देने से बालों का जो टेक्स्चर है बहुत हद तक इम्प्रूव होता है और बाल हेल्दी रहते हैं। आप वैसे भी ज़रूरी नहीं आप स्पा में ही स्टीम दें, आप घर पर भी कभी कभी बालों को स्टीम दिया करें,
उससे बाल अच्छे होते हैं। किसी दिन पूरा अच्छे से मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि स्टीम क्यों ज़रूरी होता है बालों के लिए, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरे बालों में हमने दे दी है स्टीम और अभी मैं यहाँ पे क्लचर लगा के इनको छोड़ दूंगी 5-7 मिनट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके बालों को करेंगे वॉश। तो 5-7 मिनट हो गए, अब इनके बालों का हम वॉश करेंगे। वॉश क्या करना है, वॉश आपको ओनली सिंपल पानी से करना है, कोई भी आपको शैम्पू कंडीशनर कुछ भी नहीं लगाना। और देख लीजिए मैंने क्या किया, पहले बालों को गीला किया, गीला करने के बाद आपको इमल्सीफाई करना है, जो भी क्रीम लगी है ना, क्रीम को आपको बहुत अच्छे से इमल्सीफाई करना है, देन आपको पूरे बालों को वॉश करना है। डायरेक्ट आपको पानी से धोना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है ना। इमल्सीफाई करने के बाद आपको अच्छे से फिर वाटर से वॉश करना है, और यहाँ पे आपको कोई भी शैम्पू नहीं लगाना। बहुत लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि हमें शैम्पू वॉश शैम्पू से धोना है कि कैसे, तो गाइज़ आपको सिंपल पानी से धोना है। अगर आप शैम्पू कर देंगे तो सारे क्रीम का जो असर है ख़त्म हो जाएगा ना। सिंपल पानी से आपको वॉश करना है और कंडीशनर आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना। और हाँ, जब आप क्लाइंट को बुलाते हैं ना, तो उनको बोलने कि वो ओनली शैम्पू करके आए, कंडीशनर बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। या फिर आप पार्लर में आप हेयर वॉश कराते हैं स्पा करने से पहले, तो आपको सिर्फ शैम्पू करना है, कंडीशनर आपको थोड़ा सा भी नहीं लगाना। तो हमने थोड़ा सा टॉवल ड्राई किया, टॉवल ड्राई करने के बाद हम यहाँ पे कर रहे हैं ब्लो ड्राई। ब्लो ड्राई आपको करना है, पहले आपको कूल वाली हवा देनी है, ठंडी वाली हवा देनी है, उसके बाद आपको हॉट वाली हवा देनी है। तो इस तरीके से आप देख लीजिए इनके बालों का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया था, बहुत इनको पसंद आए। और आप बिफ़ोर और आफ्टर का आप खुद ही देख लीजिएगा कि किस तरीके का रिज़ल्ट आया है। एक एक बाल अलग अलग हो गए थे इनके, और ये बताती थी कि जब भी हेयर वॉश करती थी उसके थोड़ी देर बाद ऐसे लगते थे जैसे बाल धोए ना हो, है ना, आपने देखा भी होगा वीडियो में। तो भी इनके जो बाल थोड़े से ड्राई हो गए, तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं स्ट्रिक्स का सीरम। सीरम आप लॉरियल का भी ले सकते हैं, बट मुझे स्ट्रिक्स का बहुत पसंद है। ये 130 रुपीज़ का आता है और रिज़ल्ट अमेजिंग वाला देता है, तो आप ये वाला ज़रूर ट्राई करना। तो आप देख लीजिए इनके बाल कितने सॉफ्ट सिल्की हो गए थे, और हमने इनको थोड़ी सी आयरनिंग कर दी। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ के क्लाइंट को भेज सकते हैं, बट इनको चाहिए था आयरनिंग करना, बिकॉज़ ये उस दिन अपने ससुराल जाने वाली थी। एक्चुअली इनकी शादी अभी जल्दी में हुई है और इनका मेकअप भी मैंने ही किया था। तो ये होली पे अपने घर पे आई थी और इनका हेयर स्पा रह गया था, बिकॉज हमने पूरा इनका पैकेज लिया हुआ था, है ना। तो हेयर स्पा इनका हमें करना था, तो इनको चाहिए था कि इनकी स्ट्रेटनिंग हो जाए। और सी बहुत अच्छा वाले रिजल्ट आए थे, एक एक बाल बहुत अच्छे से अलग अलग हो गए थे, बालों में काफ़ी अच्छी शाइनिंग आ गई थी। तो गाइज़, आपके अगर दोनों के बाल हैं, आपके बाल ड्राई रहते हैं, अनमैनेजेबल रहते हैं, और तो आप हेयर स्पा कम से कम 1-2 महीने में तो करा ही लिया करें। पार्लर नहीं जाना चाहते तो आप घर पे ही हेयर स्पा क्रीम ले लीजिए, आप खुद इस तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, बहुत इजी होता है करना। तो आप देख लीजिए कितने अच्छे से शाइन आ गए इनके बालों में। तो फ्रेंड, यही होता है हेयर स्पा में कोई भी मुश्किल वाला काम नहीं होता, बहुत आसानी होती है, बट आपको अच्छे से स्टेप टू स्टेप करना है फॉलो, है ना। और आप देख लीजिए बालों का टेक्सचर। वीडियो आपको कैसी लगी है फ्रेंड, वीडियो अगर आपको कहीं से भी थोड़ी बहुत अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ना, बिकॉज़ मैं बहुत सारी वीडियो इसी तरीके की अपने चैनल पर लाती रहूँगी। और भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की है और रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग की, तो वो भी आप ज़रूर से चेक करना, है ना। तो अभी देख लीजिए इनके बालों का टेक्सचर, बिल्कुल सेम स्मूथनिंग वाली टेक्सचर आ गया इनके बालों का। सो यही था, आई होप आपको पसंद आएगी। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।